नहीं होती थी कि मैं इतने सारे पैसे लगा रहा हूँ और उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अभी तक। साल तक तो विश्वास टूट नहीं रहा था कि ड्रीम इलेवन फ्रॉड कर रही है, पैसे नहीं देती है। नहीं, जब जब विश्वास टूट रहा था तब तक कुछ ना कुछ नया न्यूज ही आ रहा था कि आज ये बगल के जीते किसी से, कि आखिर वो आदमी जो जीत रहा वो है ही आदमी ही है या कुछ दूसरा। जिस गाँव में हूँ ना और जिस जगह पे हूँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे युवा बच्चों को देख सकते हैं, बड़ों को देख सकते हैं और सब लोग हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा दुकान है और दुकान में एक शख्स मौजूद आपको नजर आ रहे होंगे। जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये शख्स आज से 2-3 दिन पहले ही ड्रीम इलेवन पे टीम लगाया था इन्होंने, और ड्रीम इलेवन पे टीम लगाने के बाद इनके साथ एक वाक्या हो गई। वाक्या क्या हुई, क्या इन्होंने पैसे जीते या फिर ड्रीम इलेवन से पिछले विनर की तरह इनके साथ भी कोई फ्रॉड हो गया, तो सारी चीजों को बताएंगे। लेकिन उनसे पहले देखिए कि ये गांव वाले हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और सबके चेहरे पे कुछ लोग हंस भी रहे हैं, कुछ लोग मायूस भी लग रहे हैं। मतलब सस्पेंस सा क्रिएट हो रहा है कि भाई हुआ तो क्या हुआ है। तो सबसे बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले दुकान के अंदर आते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार, आपके बारे में पता चला कि ड्रीम इलेवन पे आपने टीम लगाया था, उसके बाद क्या कुछ हुआ आपके साथ? लगाया था बांग्लादेश वर्सेस ये श्रीलंका का मैच था। अच्छा। 3 बजे से मैच था, वो मैच में हमने लगाया। अच्छा। और लगा के हमने यहाँ से दुकान बढ़ा के अपना घर गए, घर में जाके हमने सोया। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच मैच था, उस पे आपने टीम लगाया था। T20 का मैच था या फिर ODI का मैच था? ना, एशिया कप। अच्छा, एशिया कप, ODI। हाँ, ODI। और यहाँ से जब हम बढ़ा के गए तो अपना खाना पीना खा के जब सो गए तो दोस्तों ने फोन किया तो हमें विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, क्या फोन किया? दोस्तों के माध्यम से पता चला। क्या पता चला? कि आप विनर है, सेकंड विनर। अच्छा। और जब हमने देखा तो मेरा कुछ देर तक दिमाग ही नहीं काम किया, सस्पेंस में पड़ गए होंगे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। अच्छा। तो फिर कुछ देर बाद फिर मोबाइल भी ऑफ करना पड़ गया, इतना आदमी का फोन घुसने लगा, इसलिए बंद मोबाइल। मतलब आपके नेटवर्क में जितने लोग थे उनको पता चल गया कि प्रेम भाई पैसे जीत लिए हैं। हाँ। उसके बाद फोन पे फोन आने लगा, फोन पर फोन आने लगा। कैसा लग रहा था उस समय जब इतने सारे फोन आ रहे थे और आपने मोबाइल ऑफ कर लिया? थोड़ा धड़कन तेज हो गया था। किस लिए, डर से या फिर खुशी से? नहीं, खुशी भी था, थोड़ा डर भी था कि या हकीकत है कि या नहीं है, हमको विश्वास भी नहीं हुआ अपने आप पे। अच्छा। तो थोड़ा धड़कन भी तेज हो गया था, कि रात भर सो भी नहीं पाए हम ठीक से। रात में 1 बजे आपने देखा कि हमने पैसे जीत लिए। हाँ। उसके बाद रात भर सोया नहीं? नहीं, नहीं सोने की वजह क्या थी? बस पैसा। पैसा। हाँ, सभी लोग बोलते हैं कि पैसा आने के बाद में नींद आता, लेकिन हमें नींद भी नहीं है पैसा आने के बाद में। अचानक अगर कोई व्यक्ति जो कि मजदूरी करता हो और थोड़े पैसे कमाता हो, दिन का 300-400-500 रुपए दिहाड़ी करता हो, और उस व्यक्ति के साथ अगर लाखों रुपए आ जाए तो वाजिब है कि लोगों को नींद तक नहीं आएगी। ऐसे में जो भाई जी है इन्होंने बहुत बड़ी मोटी राशि जीती है, और इनसे जब बात करेंगे फिर पता चलेगी कि आखिर कितना पैसा इन्होंने जीता है। तो आपने ड्रीम इलेवन पर टीम लगा के टोटल कितने पैसे जीते हैं? अभी तो ये सब मैच जितना भी लगाए तो उसमें तो सब लगभग जा ही रहा था, आना तो यही पहला अमाउंट है मेरा। अच्छा, जा ही रहा था। हाँ, जा ही रहा था। मतलब मतलब लगे थे इसमें सबके जो वीडियो वगैरह देख के कि हाँ ड्रीम इलेवन में जीता भी जा सकता है। हम तो वीडियो देखते थे। हाँ, देखते। तो मेरा टीवी वगैरह में, यूट्यूब वगैरह में कभी देखिएगा ऐड आ जाता है। अच्छा, कि अच्छा। ड्रीम इलेवन लगाइए अपने विधि जख्म की लगा के, तो हम दीदी लगाया था उसी के लिए। 3 साल से लगा रहे थे। हाँ, 3 साल में कितना लॉस हुआ होगा? करीब 2 लाख रुपये तक के नुकसान हो चुका था। 2 लाख नुकसान नहीं, उतना खेले हैं, कुछ वापस भी उसमें आता था, ऐसा नहीं कि सभी चल जाता था। और इसके बारे में सोचते थे कि मेरा 2 लाख रुपया नुकसान हो गया है, इतना पैसा रहता था। हम कभी पीछे मुड़ के देखे नहीं, जो टीम लगा दिए खाली सिर्फ सुबह में देखना था। अफसोस नहीं होता था? नहीं, अफसोस भी होता था कभी कभी, ऐसा नहीं कि अफसोस होता, सुबह देखते थे कुछ देर मूड ऑफ होता था, कट ही गया है लगभग, सरकार के खाते में तो चल ही गया है। कितना पैसा कटा आपका? लगभग 13.5 लाख रुपया कट चुका है। जो टैक्स कितना कटा? 30% टैक्स कटा। 30%। और उसके बाद सारे पैसे आपको मिल गए? हाँ, मिल गए। पैसे मिले आपको या फिर अभी भी ड्रीम इलेवन के वॉलेट में ही पैसे? नहीं, सब हमने अपने विड्रॉल मार लिया आपने। हाँ, नहीं, नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, आजकल विनर के साथ ज्यादातर फ्रॉड हो रहा है, जब पैसे जीतते हैं तो उनका ID लीक हो जा रहा है सर, जिसके वजह से फ्रॉड होता है, उनको कॉल आता है कि आप ये दे दो और फ्रॉड कर लेते हैं। आपके साथ भी कोई फ्रॉड का कॉल आया था? अभी तक तो नहीं आया। आपके पास फ्रॉड का कॉल नहीं है? नहीं। चलिए, एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने बताया कि अभी तक मेरे पास फ्रॉड का कॉल नहीं आया, लेकिन लगातार मैं बहुत सारे वीडियो को आपके साथ शेयर किया हूं, जहां पे रिसेंट में मैंने देखा है कि बहुत सारे फ्रॉड वाले ऐसे होते हैं कि पता नहीं डाटा कहां से चोरी कर लेते हैं, और जो विनर्स होते हैं उनके साथ OTP वगैरह मंगा करके फ्रॉड कर लेते हैं, ID हैक कर लेते हैं और सारे पैसे विड्रॉल मार लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि प्रेम जी जो कि छोटा सा दुकान चलाते हैं, इन्होंने अपने सारे पैसे अपने अकाउंट में विड्रॉल मार लिए। सारे पैसे? हाँ, सब आ गए। अब तो खुश हैं?
हाँ खुशी है फिर चेहरा थोड़ा, लेकिन चेहरा यही है कि थोड़ा गांव का जो माहौल है वो खराब हो चुका है, इसलिए कि मेरे देख के बहुत ज्यादा लोग लड़का जो है वो ज्यादा ज्यादा टीम लगा रहे हैं। ये टीम नहीं लगाएं बेहतर होगा इस सब के लिए कि जितना कम से कम टीम लगा के अपना जो है पैसा उससे ज्यादा बर्बाद होने की कोशिश ना करें, मतलब आंख बंद करके टीम लगा, आंख बंद करके 20-20 टीम नहीं लगाएं सबको। हम सबको यही बोलना चाह रहा हूं, अगल बगल सभी गांव को बोलना चाह रहा हूं कि मेरे माध्यम से ज्यादा टीम नहीं लगाएं। ये नहीं कि मेरे देख के बहुत ज्यादा टीम लगाएं, 5 टीम से लगभग हाईएस्ट हम 5 टीम बता रहे हैं, इससे कम ही लगाने की कोशिश करें और इसमें ही ज्यादा दिमाग लगाएं। करोड़ों में 2-4 ही होते हैं जिनको पैसे मिलते हैं, हाँ वो तो बोल ही रहे हैं, प्लस में जितना भी है सब लगा रहे हैं, ज्यादातर इस हमको सुनने में आ रहा है लड़का लोग इतना इतना जो बर्बाद हो रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं अपने गांव के लिए, सभी क्षेत्र के गांव के अगल बगल के लिए, जान तो गए हैं लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि 20 टीम जो लगाने वाले भैया लोग है, अब 15 टीम या 10 टीम वो ना ही लगाएं बेहतर होगा उसके आगे अपने भविष्य के लिए, सब इसके लिए कम टीम लगा कर कोशिश करें लगाएं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मत लगाइए, अपना ध्यान रखते हुए लगाएं, कम लगाएं, मतलब सारे कुछ करके एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं तो 1-2 टीम लगाए अगर जीतना होगा तो उसी में दो लगभग हाईएस्ट हम 5 बता रहे हैं, 5 से अधिक ना लगाएं। अच्छा, बच्चे लोग भी टीम लगा रहे हैं? हाँ, बच्चे भी लोग लगा रहे हैं। बच्चे लोग कैसे लगा रहे हैं जबकि एज तो लिमिट है कि 18 साल से नीचे के लोग नहीं लगा सकते? लगा रहे हैं मतलब पैन कार्ड वगैरह वेरीफाई नहीं किए होंगे तब तक लगा रहे हैं, जीतने के बाद में तो दिक्कत होगा उसको थोड़ा सा, इसलिए ना ही लगाएं वो इतना बेहतर होगा इस सबके लिए। अच्छा, क्या करते हैं आप? यही छोटा सा दुकान है, जनरल स्टोर है, छोटा सा दुकान चला करके और इतने सारे रुपए, 2 लाख रुपए कम नहीं होते 3 साल में बर्बाद करना, सब सोच नहीं होती थी कि मैं इतने सारे पैसे लगा रहा हूँ और उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है अभी तक? अफसोस तो होता था, बहुत अफसोस। अच्छा, जब पैसे नहीं जीते 3 साल तक तो विश्वास टूट नहीं रहा था कि ड्रीम इलेवन फ्रॉड कर रही है, पैसे नहीं देती है? नहीं, जब जब विश्वास टूट रहा था तब तक कुछ ना कुछ नया न्यूज ही आ रहा था कि आज ये बगल के जीते किसी से, कि आखिर वो आदमी जो जीत रहा वो है ही या आदमी ही है या कुछ दूसरा कुछ, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिविटी मिल जाती थी कि बगल से।